बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी, मैं अली अवैस बांट बिल्डिंग न्यू पाकिस्तान से। आज मोहसिन अफजाल हमारे साथ हैं जिनकी सिलेक्शन हुई है एज ए सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस। और इनकी एक डिस्टिंक्शन ये भी है कि इनकी गुजरांवाला डिवीजन के अंदर पहली पोजीशन थी, सबसे पहले नंबर के ऊपर थे। मोहसिन, आपके टाइम का शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। और ये हमारे लिए भी ऑनर की बात है कि आपने बिल्डिंग न्यू पाकिस्तान के लिए टाइम मैनेज किया। मोहसिन, हम आपके इंटरव्यू को फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। एक तो आपका पैनल थोड़ा सा अनयूजुअल था कि उसमें जो पुलिस की तरफ से थी वो एक एसपी फीमेल थी, तो ये थोड़ा सा अनयूजुअल था। मुझे ये बताएं कि आपसे, आपके इंट्रोडक्शन के बाद आपसे पूछा गया कि पाकिस्तान में कितनी दफ़ा मार्शला लगा और मार्शला ज़्यादा बेहतर है या डेमोक्रेसी ज़्यादा बेहतर है। हाउ डिड यू कोप दैट क्वेश्चन? बेसिकली ये पहला क्वेश्चन था और काफ़ी मतलब एक ब्रॉड लेवल पर उन्होंने क्वेश्चन पूछा, तो मैंने इसी तरह आंसर किया कि मेरे डेमोक्रेसी इज़ फार मोर बेटर देन मार्शल लॉ इन एनी फॉर्म। तो डेमोक्रेसी को मैंने डिफेंड किया बड़े अच्छे तरीके से, और उसके बाद मैंने बताया कि डेमोक्रेसी में अभी कौन कौन से फॉल्ट्स हैं जिसकी वजह से लोगों तक इसके बेनिफिट्स नहीं पहुंच पा रहे। उसमें मैंने बताया कि इलिटरेसी है, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है, फ्यूडलिज्म है, ठीक है, और काफ़ी सारे मैंने इसमें बताया कि सेम फेसेस दोबारा बार बार घूम के वही आ जाते हैं। इसके बाद, इसको आंसर करने के बाद मैंने फिर बताया कि मार्शल लॉ ने पाकिस्तान को किस तरह हार्म किया, ठीक है, पॉलिसी में कंटिन्यूशन नहीं रही, ज़िया का दौर था उसमें काफ़ी ज़्यादा इस्लामाइजेशन हुई, रेडिकलाइजेशन हुई, उसके बाद मुशरफ का था, टोटल डिफरेंट एक पैराडाइम में हम आ गए। तो इसको मैंने इस तरह से हैंडल किया कि पहले मैंने डेमोक्रेसी के बताए बेनिफिट्स, ठीक है, जो कि पाकिस्तान, और उसके बाद बताया कि ये क्यों नहीं अचीव कर सका पाकिस्तान, उसके बाद मैंने मार्शल लॉ को क्रिटिसाइज़ किया। आपने बड़ा राइटली आंसर किया। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइएगा कि आपसे फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में भी बात की गई, पूछा गया, ठीक है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में उन्होंने आपसे पूछा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच किसको कहते हैं और इसकी लिमिट्स क्या होती हैं। ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, आपने इसको कैसे डील किया? बेसिकली मैंने इसको, हर बंदे का एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो मैंने इसको अपने पर्सपेक्टिव से बताने की बजाय मैंने इसे जॉन स्टुअर्ट मिल का जो है कि जब तक आप किसी को फिजिकली हार्म नहीं करते तब तक मतलब आप अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट रखते हैं। एक बहुत इसमें मज़े की एग्जांपल है जो कि मैंने सुनी थी शायद आफ्ताब इकबाल के शो में, कि जहां से मेरा नाक शुरू होता है वहां से तुम्हारी फ्रीडम ऑफ जो एक्सप्रेशन है, स्पीच है, सारा कुछ ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इसको आंसर किया था कि मतलब जब तक आप फिजिकली हार्म नहीं करते। और इसी क्वेश्चन की कंटिन्यूएशन में उन्होंने मुझसे पूछा था कि अच्छा, फ्रीडम ऑफ स्पीच का आपने ये कहा, तो एक बंदा जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत नेशनल इंटरेस्ट को हार्म करता है तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? इसको मैंने फिर इस तरह से आंसर किया था कि नेशनल इंटरेस्ट किसी इंस्टीट्यूशन के या किसी इंडिविजुअल के इंटरेस्ट नहीं होते, वो एक नेशन के एज अ होल इंटरेस्ट होते हैं। तो अगर एज अ होल किसी नेशन के इंटरेस्ट को कोई हार्म करता है तो आपको उसको बिल्कुल रोके, लेकिन अगर कोई इंस्टीट्यूशन अगर कहता है कि ये नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है, ठीक है, तो वो नेशनल इंटरेस्ट नहीं होते। तो बेसिकली मैंने इसको इसी तरह कहा था कि नेशनल इंटरेस्ट जो होता है वो नेशन के एज अ होल इंटरेस्ट होते हैं, तो उसको बिल्कुल प्रोटेक्ट करना चाहिए। इस ट्रिकी क्वेश्चन को बहुत ही दानिशमंदी से और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इसको डील किया, दैट्स टू गुड। बड़ा इंप्रेसिवली आपने इस सवाल को आंसर किया। अच्छा, फिर एक सवाल ये भी पूछा गया आपसे कि डेमोक्रेसी किस वजह से पाकिस्तान में इंट्रेंच नहीं हो पा रही, तो इससे आपने क्या मुराद ली? इससे बेसिकली मैंने इसको पहले भी आंसर किया है कि डेमोक्रेसी में क्या फॉल्ट लाइन्स है, तो इसमें बेसिकली पहले दिन से ही शुरू में मतलब सिविलियन ब्यूरोक्रेसी थी, फिर उसके बाद मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी काफ़ी स्ट्रांग रही, उसके बाद मतलब रिपीटेडली मार्शल लॉ लगते रहे, पॉलिटिशियंस जो थे उनकी क्रेडिबिलिटी इतनी स्ट्रांग नहीं थी, पहले मतलब वो आया अयूब का आया, वो आया तो उसमें उसने प्राइवेटाइजेशन और इस तरह से मतलब काफ़ी ज़्यादा कैपिटलिस्ट अप्रोच थी, भुट्टो आया तो उसकी वो थी सोशलिज्म की तरफ ले गया, ठीक है, ज़िया आया इस्लामाइजेशन की तरफ ले गया। तो ये सारी चीज़ें मतलब कि मैंने उसको बताई कि इस वजह से डेमोक्रेसी जो है इवॉल्व नहीं कर सकती, ठीक है, और मतलब कर सकती कर सकती है इंशाल्लाह लाजमी करेगी। और मेरा बेसिकली थ्रू आउट द इंटरव्यू मेरा इसी में था, मार्शल लॉ, डेमोक्रेसी।